आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। भारतीय मजदूर संघ तथा कर्मचारी संघ ने सिरोही के राजकीय चिकित्सालय के बाहर मेन गेट पर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। भारतीय मजदूर संघ तथा कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ नेता गोपाल सिंह राव के अनुसार भामसम के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाभी तथा जिला मंत्री सुरेंद्र कुमार प्रजापत के मार्गदर्शन में मेडिकल कर्मियों, पुलिस के जवानों, रोगियों के परिजनों, आने जाने वाले राहगीरों को काढ़ा पिलाया गया। इसमें रोडवेज संघ के महिपाल चारण, स्वयं सेवक प्रमोद सिंह का सहयोग रहा। डाभी के अनुसार रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी जरूरी है। आयुर्वेदिक काढ़ा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। काढ़े का सेवन शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद और गुणकारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा विभाग प्रतिदिन काढ़ा तथा रोगियों व उसके साथ आए परिजनों के लिए दोनों समय के भोजन की सेवाएं भी लंबे समय से अनवतर दे रहा है। आज काढ़े की व्यवस्था को भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र डाभी, जिला मंत्री सुरेंद्र कुमार प्रजापत, कर्मचारी महासंघ के गोपाल सिंह राव, रोडवेज संघ के महिपाल चारण तथा प्रमोद सिंह ने संभाला।